गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर नंबर 2 और उसके अंदर हम कंटिन्यूस करते आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अभी तक स्टूडेंट आप रिविजन कर पा रहे होंगे, हमने सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद में हमने बात की फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार में के बारे में हमने डिस्कस किया और आज हम बात करने वाले हैं आपके शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के शोषण के विरुद्ध किस तरह के हमको अधिकार मिले हैं और अगर किसी का जो आर्टिकल ये 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अगर किसी का जो शोषण होता है तो किस तरह से वो कहां पर जाएगा, किस तरह के प्रोविजन अपने संविधान के है अंदर है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 और 24 के अंदर पहले हम चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 23 की, फिर उसके बाद में 24 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मानव का जो मानव का व्यापार मानव की तस्करी के ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध है, देश के अंदर कोई मानव का व्यापार नहीं कर सकता, मानव को कोई देह व्यापार के लिए मजबूर नहीं कर सकता और अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसके आर्टिकल 32 के अंदर जो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के लिए अंदर उसको आर्टिकल 32 के अंदर ये प्रोविजन है कि सीधा वो उच्चतम न्यायालय से इसकी अपने सुरक्षा की गुहार लगा सकता है और आर्टिकल 226 ये अधिकार देता है कि वो उच्च न्यायालय के अंदर जाकर उसकी शरण ले सकता है। आर्टिकल 23 के अंदर ही फिर नंबर 2 पे इसका है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, आप किसी को भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है गवर्नमेंट का, जो कम से कम वेतन दिया जाना चाहिए वो वेतन दिया जाएगा, अगर उसका अगर हम वो वेतन नहीं देते हैं तो उसका जो आर्टिकल 23 का वायलेशन हो जाता है जो कि उसका फंडामेंटल राइट है। तो इसी के थ्रू हमने कोशिश की है ये प्रोविजन कर अधिकार देकर कि ताकि किसी को दास प्रथा के लिए मजबूर ना किया जाए, फोर्स जबरदस्ती किसी से काम नहीं लिया जाए, क्योंकि आजादी से पहले बहुत ये काफी पहले से विश्व के अंदर ये दास प्रथा चली आ रही थी और इंसान को खरीदा और बेचा जाता था। आपने सुना होगा जो अफ्रीकन कंटिनेंट से या हमारे यहाँ से भी जो नदन अमेरिका के अंदर जो या फिर सदन अमेरिका के अंदर जो उनको दास के रूप में ले जाकर काम कराते थे। तो कोशिश किया है इन अधिकारों के थ्रू ताकि ये जो फोर्स लेबर है दास प्रथा खत्म की जा सके। फिर इसी में ये देखा जाता है कि अगर स्टेट किसी से वॉलेंटरीली सर्विस लेता है देश के नागरिकों से तो क्या उसका जो है जो आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा, राज्य अगर किसी तरह की सर्विस मांगता है। जी नहीं, वो जो राज्य है किसी के अधिकारों का वायलेशन नहीं कर रहा है। ऐसा प्रोविजन है कि देश के नागरिकों की जब देश को जरूरत है तो उनसे काम करा सकते हैं, वॉलेंटरी सर्विस ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी धर्म के आधार पर जाति के आधार सबसे बराबर सभी कम्युनिटी से मदद ली जाए। और फिर यह भी बात आती है कि अगर जो प्रिजनर्स हैं उनसे जो काम कराया जाता है तो क्या ये फोर्स लेबर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी नहीं, वो भी फोर्स लेबर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी आपने सुना होगा कि जो भी जेल में है उनको भी जो काम कराया जाता है, जिनको रिग्रेस एम्प्रिजमेंट मिली है बामुशक्कत जो सजा मिली रही है उसके अंदर क्या है उनसे काम कराया जाता है, लेकिन उसके लिए उनको मिनिमम वेजेस एक्ट का विद इन प्रोविजन उनको भी सैलरी देने का प्रोविजन है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 23 के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, शॉर्ट में दे रखा है ये आर्टिकल 24 में है कि आप जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स उनको आप हैजार्डियस और नॉन हैजार्डियस एक्टिविटी जहां पे चल रही हो, यहां जो खतरे का काम है जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके लिम्ब हाथ पैर को डैमेज होने का खतरा है, ऐसी जगह के ऊपर बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स जो बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते। लेकिन इसमें भी कुछ जो प्रोविजन किए गए हैं
कि जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है आप उसमें काम करा सकते हो, जहां आपका पारिवारिक खेती से संबंधित है वहां पर उनको काम करा सकते हो। लेकिन फिर हमको ये ध्यान रखना होगा जो इसके अंदर प्रोविजन है, जो वो प्रोविजन ये है कि आप जो है, क्योंकि 14 साल तक के बच्चों को हम राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, तो राइट टू एजुकेशन का उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आफ्टर स्कूल आवर्स के बाद में या फिर वैकेशन पीरियड में आप खेत के काम में मदद ले सकते हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप में से किसी की 14 साल से कम एज है, आप कल से खेत में काम करने के लिए मदद मना कर दो कि भाई हमारा तो वायलेशन। ये आपके जो पेरेंट्स हैं उनको अधिकार है, आपसे घर में काम है जो फैमिली ओन बिजनेस है उसमें आपसे काम ले सकते हैं, या आर्टिकल 24 का वायलेशन ही होगा। लेकिन इसमें जैसे कि हम बात करें जो अब मीडिया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें आपने देखे होंगे कि 6-6 साल के बच्चों से भी काम कराते हैं, इसको इस जो वायलेशन नहीं माना जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उनसे काम लिया जा सकता है, वो वायलेशन नहीं है, वो बच्चों का एक रिक्रिएशन जैसा कंसिडर किया जाता है, एक कला है वो जो उभर कर आ रही है। तो ये हमने बात किया प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये आर्टिकल 24 के अंदर है। आज हम एक दूसरा भी टॉपिक लेने वाले हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका हो गया है, ये दूसरा है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी नागरिक देश का उसको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म को अपनाने, एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने या किसी भी धर्म को ना मानने का अधिकार है, उसके लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी एक धर्म में रहने के लिए। आज कोई एक्स हिंदू है, कल वो अपने अपनी इच्छा से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनना चाहता है तो उसको यह अधिकार है। लेकिन इसके साथ में कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है सरकार की तरफ से, स्टेट ज्यादातर केसेस में जो राज्य किसी भी पार्टिकुलर धर्म को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है या किसी दूसरे धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जो राज्य की नजरों में, देश की नजरों में सभी धर्म बराबर होंगे, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के भी आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेयर राज्य की तरफ से नहीं होगा। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कर सकते हैं, अगर किसी धर्म के अंदर किसी औरत के साथ में, किसी वहां की जो विमेन्स हैं उनके साथ में कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है जिससे कि उनके जो ह्यूमन जो राइट्स है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका वायलेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर राज्य इंटरफेयर कर सकता है। यानी कि राज्य एक वॉचफुल एम्बिवेलेंस रखेगा, एक नजर रखेगा कि किसी का, जैसे कि अभी आपने देखा जो जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो 3 ट्रिपल तलाक जो होती है कि 3 बार कह दिया तलाक तलाक और तलाक हो जाती थी, तो ये अपने आप में जो है औरतों के साथ में एक अन्याय, इनजस्टिस था। तो राजे ने इंटरफेयर किया और इस कानून को चेंजेस करके बहुत सारी स्ट्रिक्ट धाराएं इसमें रखी गई है। तो ये आपका बात हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमने कवर कर लिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। आर्टिकल 26-25 के आपको कोई भी किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 कहता है कि आप मैनेजमेंट, जो रिलीजियस मैनेजमेंट, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनका मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके ये उसके आंतरिक मामलों में कोई आपको इंटरफेयर, आपका कोई आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 कहता है नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन, कि किसी भी देश के नागरिक को धर्म से संबंधित मामलों में कोई टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। आपने पहले सुना होगा हिस्टोरिकल पीरियड में देखें तो मुगल काल के अंदर क्या था कि जजिया कर हमसे, जो नॉन इस्लामिक थे उनसे जजिया कर लिया जाता था, वो एक किस्म से धार्मिक आधार के ऊपर नॉन मुस्लिम के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था। तो उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बारे में काफी केयरफुल थे और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी तरह का जो धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखा गया कि कुछ इस तरह की पिटीशन डाली गई कि भाई कहीं पे जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं या फिर कोई और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं
वहां पर एक फी लिया जाता है, तो उस फी को एक डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता है, उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए, सुधार करने के लिए वो एक टैक्स के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 27 नॉट टू पे एनी टैक्सेस। और आप बात कर लेते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि ये आपको स्टेट या फिर अब हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, किसी स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में, सरकारी स्कूल में, आपको सरकारी स्कूल के अंदर कोई वहां पर धार्मिक शिक्षा अगर दी भी जाती है, प्रोवाइडेड कोशिश की जाएगी कि किसी भी सरकारी स्कूल में किसी पार्टिकुलर धर्म से रिलेटेड कोई भी जो शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता उसको फॉलो करने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, लेकिन जो प्राइवेट है, टोटली फंडेड है किसी धर्म से रिलेटेड, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है स्कूल चलाते हैं, उनको यह अधिकार होगा, यह आपको इस तरह के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले सोचना होगा, वहां पर वो अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा दे सकते हैं, प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्शियली फंडेड है वो गवर्नमेंट से, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देती है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अगर कोई स्कूल टोटली धर्म के ऊपर आधारित है, क्रिश्चियन मिशनरी से है या फिर मुस्लिम कम्युनिटी जिनको मैनेज करती है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। बीच में इससे लेकर एक विवाद भी हुआ था कि जैसे कि अपने जो करंट में सरकार है उसने इस तरह के कुछ प्रोविजन किए थे कि जो सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना जरूरी होगा, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ। लेकिन फिर सरकार की तरफ से भी एक क्लारिफिकेशन दिया गया कि इसको आप धार्मिक वे में कंसीडर मत कीजिए, ये एक एक्सरसाइज के रूप में कंसीडर कीजिए, ये धर्म का सूर्य नमस्कार एक हिंदू धर्म के अंदर भी एक वो है और साथ में ये एक सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज का भी पार्ट है। तो इस तरह से कुछ, जैसा कि आपने देखा, जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इसी के साथ में आप आज हम दो जो आपने किए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहीं पर हम समाप्त करते हैं और होप करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश, फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.